हर्ता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा भ्राता के शक्तिधर रूप धारण करने के पीछे भी अवश्य कोई विशेष कारण है। अब शीघ्र ही समस्त संसार के समक्ष गौरी नंदन कार्तिकेय के स्वरूप की गाथा प्रस्तुत होगी। दर्पण तो इनके हाथों में था और इसमें ही कुछ देखने के पश्चात देव सेना की ऐसी स्थिति हुई है। परंतु मैं इसमें अभी समय व्यर्थ नहीं कर सकती। सर्वप्रथम मुझे इनकी देखभाल करनी है। भ्राता का ये शक्तिधर रूप और इस रूप में उनकी लीला के साक्षी होने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे। सुरा सही को हमारे आगमन की सूचना मिल गई तो वो हमें रोकने से पहले दोनों को अवश्य ताड़ना देगी। किंतु अभी तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। जब तक कल का युद्ध आरंभ ना हो और सभी का ध्यान ना भटक जाए तब तक तो हम भी नहीं लौट सकते। क्या लगा था तुम्हें कि कोई महेंद्रपुरी में घुसकर तुम दोनों को यहाँ से ले जाने में सफल हो जाएगा? भ्रम था तुम्हारा, किंतु तुम्हें होने वाला कष्ट भ्रम नहीं। तुम दोनों को इतना कष्ट दूंगी कि तुम्हारे पिता भी यहाँ आकर कहेंगे तो भी तुम महेंद्रपुरी से बाहर तो क्या यहाँ की सीमा तक नहीं लांग पाओगी। ऐसा दंड दूंगी कि मेरे आदेश के विरुद्ध जाने का विचार भी कंपित कर देगा तुम दोनों को। तुम दोनों बार बार मुझे क्यों विवश कर रही हो? क्यों करती हो ऐसा मेरे साथ? अब मैं कैसे समझाऊं तुम दोनों को? नहीं नहीं, अब घुटनों पर जाकर मुझसे क्षमा मांगने का क्या लाभ है? बार बार तुम भूल करो और हर बार मैं तुम्हें क्षमा करती रहूं, ऐसा कब तक होता रहेगा? क्या तुम अपने पतियों से प्रेम नहीं करती? क्या तुमने कल्पना भी की है कि शत्रु के सामने जाकर गिड़गिड़ाना, शरणागत होना तुम्हारे पतियों के हृदय पर कितना बड़ा आघात करेगा? बस काग हकनी तो बनाया तुम्हें, तुम्हें इतना ही तो करना था जिससे तुम्हारे पुत्र युद्ध में विजयी हो सके। विजयी होकर आया हूँ मैं। पुत्र, अति आनंदित हूँ मैं जो तुम लौट आए। हाँ दादी माँ, विजयी होकर अब तो बस बालक कार्तिकेय और उसका गजमुख भ्राता ही शेष है। गर्व से केवल मेरा मस्तक ही ऊंचा नहीं हुआ है पौत्र, तुम्हारी आज की विजय ने सभी असुरों का मस्तक ऊंचा कर दिया है। मैं अति प्रसन्न हूँ।
देखा देखा तुम दोनों ने, काब भगाने का अपशगुन मिटाने का परिणाम है ये। तुम्हारा पुत्र सुरक्षित ही नहीं, युद्ध में विजयी होकर लौटा है और तुम मुझे क्रूर पुकार रही थी और फिर द्रोह करने जा रही थी तुम। इतना समझाने के बाद भी द्रोह ही है तुम दोनों के मन में। नहीं नहीं, क्रोध मत करो पुत्र। अपने पुत्र और पुत्रवधुओं के बीच में मन मुटाव कौन सीमा चाहेगी? तुम्हारे पति और पुत्र की सुरक्षा और युद्ध में विजय में तुम्हारी भी भलाई है ना? तो भला बताओ, ये कठोर दंड था या आदेश था? ऐसा दंड दूंगी कि मेरे आदेश के विरुद्ध जाने का विचार भी कंपित कर देगा तुम दोनों को। माता, स्वामी, एक अंतिम बार हमें क्षमा कर दीजिए। हमें ज्ञात हो गया है, इसलिए अब युद्ध के अंत तक हम काग हाँकने के लिए तैयार हैं, जिससे आप सब सुरक्षित रह सके और युद्ध में आपकी विजय हो। विजय तो हमारी होगी ही, क्योंकि कल उन दोनों का अंत करूंगा मैं, जिन्हें भगवान होने का भ्रम है। फिर सर्वत्र जय जयकार होगी, भगवान सुरा पद्मन की और माता सुरसई की। नहीं भ्राता, कल युद्ध में आप नहीं, आपका अनुज अर्थात अग्नि मुखम जाएगा, जो शत्रु पर उनके ही भीतर की अग्नि अर्थात उसकी स्वाग्नि से वार करता है। बाहर की अग्नि से बचना संभव है, परंतु अपने भीतर की अग्नि अर्थात स्वाग्नि से बचना असंभव है। युद्ध में हर एक योद्धा को अवसर मिलना चाहिए। क्यों दादी माँ, उचित कहा ना मैंने? भ्राता भानु कोपन ने अपने सामर्थ्य को प्रमाणित कर दिया, देवताओं की संपूर्ण सेना ही नष्ट कर दी, अब वो केवल दो ही शेष हैं। नहीं नहीं अग्निमुखम, उस कार्तिकेय का अग्नि पर नियंत्रण है, तुम्हें स्मरण नहीं क्या? माता सुरसई ने मायावी अग्नि के साथ असुरेंद्र को युद्ध में भेजा था और उसका कितना भयंकर परिणाम हुआ था। मुझे स्मरण है, और इसलिए मैं केवल अग्नि नहीं अपितु अपने साथ एक अति विशिष्ट शक्ति को लेकर जा रहा हूँ, जिसका उन देवताओं के पास कोई विकल्प नहीं। मुझे माँ काली का वरदान प्राप्त है, मुझे माँ काली का वरदान प्राप्त है। उन्होंने वचन दिया है मुझे कि वो किसी भी युद्ध में मेरी सहायता करेंगी। कल भानुकोपन महामाया अस्त्र के साथ आया और अकेले ही हमारी सेना को क्षति पहुंचाई, किंतु आज वो चाहे किसी भी माया के साथ क्यों ना आ जाए, उसके साथ उसका भी अंत निश्चित है। भ्राता, ये असुर अत्यंत कपटी हैं, इसलिए कल जिस अस्त्र का प्रयोग किया था, आज उस अस्त्र के साथ कदापि युद्ध नहीं करेंगे। और मुझे तो आभास हो रहा है जैसे किसी माया के साथ नहीं, अपितु आज ये किसी महाशक्ति के साथ युद्ध भूमि में उतरेंगे। भानुकोपन तो वही है महेंद्रपुरी में, फिर आज उनकी ओर से युद्ध कौन करेगा? भानु
अग्निमुख भानुकोपन का अनुज ही हो सकता है, क्योंकि उनकी ओर से अब एकमात्र यही योद्धा शेष है। माता महाकाली, उनकी आकृति इस असुर के साथ, तो क्या इसे माता का आशीर्वाद प्राप्त है? किंतु क्यों? अग्नि का स्वामी असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन का सुपुत्र अग्निमुखम हूँ मैं। आज तुम्हारा सामना उस अग्निमुखम से होगा, वो तुम्हें वही पहुँचाएगा जहाँ कल तुम्हारी सेना को भैया भानुकोपन ने पहुँचाया था, तुम्हारे काल के पास। इसकी सेना जो जल में डूब चुकी थी, वो जीवित कैसे है? जिन्हें मैंने स्वयं अपने महामाया अस्त्र से समुद्र में जल मग्न कर दिया था, वो युद्ध भूमि में वापस कैसे आ गए? कैसे पुनर्जीवित हो गए ये? कैसे किया इस बालक ने ये संभव? जब स्वयं शक्तिधर प्रभु कार्तिकेय यहाँ है, तो ना उनकी सेना को और ना ही उनके भक्तों को कोई क्षति पहुंच सकती है। हे माँ शक्ति, मेरी सेना को शक्ति संपन्न करने की, उन्हें सुरक्षित लौटाने की कृपा कीजिए।
महामाया अस्त्र से आहत होने पर भी हम सभी सुरक्षित हैं, जीवित हैं। ये कैसे संभव है प्रभु? महामाया अस्त्र के प्रभाव से भ्राता कार्तिकेय के अमोघ महास्त्र ने आपको सुरक्षित किया था। आप सभी बस मूर्छित हुए थे। और अब माता पार्वती के शक्ति दंड की सहायता से उन्होंने आप सभी को मूर्छा से भी मुक्त कर दिया है। ये महिमा है प्रभु कार्तिकेय के शक्तिधर रूप की, जिनकी पूजा करने से शत्रु ही नहीं अपितु किसी भी बाधा का सामना करने की भी शक्ति प्राप्त होती है। तो बोलिए श्री शक्तिधर प्रभु की जय। श्री शक्तिधर प्रभु की जय। श्री शक्तिधर प्रभु की जै। नहीं नहीं, ये उचित नहीं। जय जयकार इनकी नहीं, हमारी होनी चाहिए। पुत्रियों, इतना अपमान, इतना कष्ट कब तक सहोगी तुम दोनों? चलो हमारे साथ चलो। नहीं नहीं माता, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। ये काग, इन्हें उड़ा देंगे हम, आप निश्चित रहिए। विश्वास दिलाती हैं, अब हमसे कोई भूल नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं माता सुरा से ही नहीं अजामुखी हूँ। अच्छा, मुझे नहीं तो अपने पिताजी को तो पहचानिए। माता, हम आपकी माया को भली भांति पहचान गई हैं, इसलिए अब हम किसी भ्रम में नहीं आएंगी। जब तक इस युद्ध का अंत नहीं हो जाता, हम यहाँ से किसी के भी कहने पर कहीं नहीं जाएंगी। आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे हैं? माता सुरा से यहाँ नहीं, वहाँ है। पिताश्री, क्या हुआ पुत्री? तुम्हारे पांव आगे बढ़कर रुक क्यों गए? क्या तुम्हें अपने पिता पर विश्वास नहीं? माया है ये, आपका ही कोई नवीन छल है ये। हम मान गए हैं, ना तो आप हमें यहाँ से कहीं जाने देंगी और ना ही हम कहीं जाएंगे। अपनी सेना की रक्षा कर, इतना प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्षण भर में ये सभी नष्ट होने वाले हैं। Thank you.
प्रतीत हो रहा है जैसे इसने भीतर से ही सभी देव सैनिकों में अग्नि जला दी हो। इनके भीतर के अग्नि तत्व को नियंत्रण में कर उनके ताप को बढ़ा रहा है ये दुष्ट अग्निमुखम। तुम्हें जल तत्व प्रदान करता हूं जो किसी भी प्रकार की अग्नि का बैरी होगा। यदि अग्नि तत्व सबके भीतर है तो जल तत्व भी तो है। जल तत्व के इस मंत्र ने अग्नि तत्व को शांत कर दिया। हमारी सेना अभी भी सुरक्षित है। मेरी अग्नि मेरे लावा को कोई शांत नहीं कर सकता। मेरी शक्ति को रोककर अपने आप को विजयी मत मान लेना, क्योंकि वो शक्ति जो मैं अपने साथ लाया हूँ वो ना रुक सकती है और ना ही पराजित हो सकती है। ये किस शक्ति का संकेत कर रहा है? मुझे इसके निकट माता महाकाली का आभास हुआ था। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। हे माता महाकाली, मैं आपका आवाहन करता हूँ। आपने वरदान दिया है कि यहाँ आकर इस युद्ध में मेरी सहायता करेंगे।
मुझको। माता महाकाली का तो विरोध भी असंभव है। अब संघार होगा इन देवताओं का। तो असुर सैनिकों और देव सैनिकों में भेद ना कर सभी का संहार कर रही हैं। उनसे दूर रहकर ही सुरक्षित रहा जा सकता है। पीछे मत हटो, आगे बढ़ो। संहार होने दो सेना का। इसके लिए मैं किसी का भी बलिदान दे सकती हूँ, तुम्हारा भी। आगे बढ़ो, पीछे मत हटो। अपने निर्दोष सैनिकों को इस प्रकार आहत होते देख मुझे अपार पीड़ा हो रही है, किंतु गणेश माता के निकट क्यों चला गया है? कहीं वो भी उनके क्रोध का भागी ना बन जाए। प्रणाम माता। शांत हो जाइए माता, इतना तो देखिए किसका संहार हो रहा है आपके द्वारा। ये अनुचित है माता, इसे रोक दीजिए। माता महाकाली के खड़क से तो प्रभु नहीं बचा सके। विजय दिलानी होगी, भले ही इसके लिए देव सेना के साथ साथ संपूर्ण असुर सेना का भी नाश क्यों ना हो जाए। ये रुदन विचलित कर रहा है मुझे। पुत्र गणेश,
कहीं मैं तो इसके रुदन का कारण नहीं बन रही हूँ। माँ का आशीर्वाद वो रक्षा कवच है जो किसी भी विषम परिस्थिति में संतान की रक्षा के लिए पर्याप्त होता है। मैंने अग्निमुख को वरदान दिया कि मैं युद्ध भूमि में उसके शत्रुओं से युद्ध कर उसकी सहायता करूंगी। पुत्र कार्तिकेय, अपने अस्त्र उठाओ और युद्ध करो मुझसे। नहीं माँ, मुझसे ये घोर अपराध नहीं होगा, नहीं होगा ये पाप। शत्रुओं ने अपने हथियार गिरा दिए, घुटने टेक दिए, पराजय स्वीकार कर ली।